रीवा के कंट्रोल रूम में महिला अपराध की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि बसों में बैठते समय, उतरते समय कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं, उसके लिए यह घटनाएं न घटें, इस कार्यक्रम में बसों में बैनर पोस्टर लगवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उस बैनर के अनुसार उसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे महिलाओं को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में ऑटो यूनियन, बस ऑपरेटर सहित कई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। शासन की तरफ से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुए सभी जिले के अधिकारियों को कि महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ अपराधों में कमी करने का प्रयास करना है, जिस तारतम्य में हमारे पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, जिसमें ट्रैफिक से DSP साहब, महिला थाना प्रभारी, महिला सेल और महिला अधिकारी यहाँ उपस्थित थी, जिन्होंने ऑटो यूनियन के और ऑटो कर्मचारी संघ की पूरी कमेटी को साथ में बस ऑपरेटर्स और बस यूनियन के पदाधिकारियों के यहाँ पर मीटिंग में बुलाया था। उस उद्देश्य था कि जहाँ भी महिलाएं जाती हैं, उन महिलाओं के साथ बसों में चढ़ते समय, बस में बैठते समय, बस के अंदर जो छेड़छाड़ की घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं ना घटित हों।